इमरान सिफी, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल टेलीविजन चैनल और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश आज न्यू उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और आज हम बात करेंगे योगी मॉडल के बारे में। हाँ दोस्तों, योगी मॉडल किस रूप में उभर कर आ रहा है, देश विदेश की तर्ज पर आज उत्तर प्रदेश का निर्माण चल रहा है और यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी और उत्तर प्रदेश के उद्योग विकास मंत्री नंद गोपाल जी के माध्यम से एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रोग्राम रखा गया है जिसको रोड शो के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। हाँ दोस्तों, दोस्तों ये जो रोड शो होगा ये 2023 फरवरी तक लास्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि रोड शो कहां कहां होने वाला है। 7 सिटी के अंदर ये रोड शो किया जाएगा। सबसे पहले है दिल्ली, उसके बाद है बेंगलोर और उसके बाद है चेन्नई और उसके बाद है कोलकाता और उसके बाद है अहमदाबाद और उसके बाद है हैदराबाद। हाँ दोस्तों, ये वो सिटी है जिनमें उद्योग कॉरिडोर के लिए जो उद्योगपति है, जो निवेश है, जो निवेश बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो उद्योगपति है उनको आमंत्रित किया जा रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार उत्तर प्रदेश का जो उद्योग कॉरिडोर अगर हम इसको कहेंगे तो कोई हमें कहने में आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि आज उद्योग उत्तर प्रदेश आज उद्योग हब बनने जा रहा है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यूपी निवेश का, उत्तर प्रदेश बनाया जा रहा है और ये जो जब से पूरे देश के अंदर, भारत के अंदर, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार और जो है भारत के अंदर जो आपके जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जब से ये डबल इंजन सरकार का जब से नारा दिया है, जब से रात दिन इस उत्तर प्रदेश और भारत एक विकास की लहर बह रही है, इसी को लेकर अगर हम बात करते हैं प्रमुख शहरों के अंदर उद्योग कॉरिडोर बसाया जाएगा और यहां पर भंडारा हब भी बनाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा उद्योग लैंड की भी उपलब्धता यहाँ पर की जाएगी और ऑटो इंडस्ट्री हब भी बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश को और आपका लखनऊ सहित 11 शहरों में केमिकल फैक्ट्रियों का भी उत्पाद किया जाएगा, मतलब यहाँ पर जो उद्योग बनाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं वो 11 सिटी जो महत्वपूर्ण है, आपका गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, बाराबंकी, संभल, कानपुर, गाजियाबाद, बरेली, आगरा, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर को ये उद्योग हब में तब्दील कर देंगे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो शेड्यूल है, किस प्रकार इस उत्तर प्रदेश को न्यू उत्तर प्रदेश और इसको न्यू उत्तर प्रदेश के साथ उद्योग प्रदेश भी कहा जा रहा है और इसको अब से पहले इसको उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जा रहा है, क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे देश के सबसे बड़े बड़े एक्सप्रेस वे का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, जैसे कि गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तैयार हो चुका है, आपका फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में बन रही है, आपका जेवर एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, तो और यहाँ पर बड़े बड़े एक्सप्रेस वे का भी निर्माण यहाँ पर चल रहा है, तो इनके साथ साथ उद्योग कॉरिडोर यहाँ पर बसाया जाएगा। और यहाँ पर कौन कौन से उद्योग यहाँ पर होने वाला है, कौन कौन सा यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जैसे फिल्म है, यहाँ पर फिल्म सिटी का निर्माण भी यहाँ पर चल रहा है, डेटा सेंटर का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, विमान रख रखाव के लिए भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पार्क का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, MSMI का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन कंपनी का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी का भी उद्घाटन किया जाएगा, रक्षा तथा एयर सोर्सेस यहाँ का भी
यहाँ पर जो है उद्योग लगाया जाएगा और चिकित्सा विद्यालय योजना यहाँ पर तैयार की जाएगी और डेयरी फार्म यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का भी यहाँ पर नियुक्त किया जाएगा और जैव ऊर्जा स्पोर्ट नियोग प्रोत्साहन उद्योग निवेश कृषि निर्यात कुक्कुट उद्योग का भी यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। दोस्तों ये वो उद्योग कॉरिडोर है जो यहाँ पर बसाया जा रहा है। तो दोस्तों अब उत्तर प्रदेश एक न्यू उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है और यहाँ पर जितने भी एक्सप्रेसवे बन रहे हैं यहाँ पर इसके आसपास उद्योग कॉरिडोर बसा कर यहाँ पर 2024 से पहले पहले यहाँ पर एक योगी मॉडल इसको तैयार कर दिया जाएगा। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।